100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइव 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170, 9560464170। स्वच्छ भारत अभियान पीएम मोदी की महत्वाकांक्षी योजना है, लेकिन यूपी के लखीमपुर खीरी में प्रधानमंत्री के इस योजना की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लखीमपुर खीरी के सिसैया गांव में चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा है। गांव की नालियों और सड़कों पर कूड़े का ढेर लगा है। जब इस बारे में लाइव 24 की टीम ने पड़ताल की तो पता चला कि इस गांव में 3 साल से सफाई कर्मी सफाई करने नहीं आए हैं। इस बारे में ग्राम प्रधान प्रतिनिधि से बात की गई तो उन्होंने कहा कि जिन सफाई कर्मियों की गांव में ड्यूटी लगी है वे सभी सफाई कर्मी अधिकारियों के कार्यालयों और आवासों पर तैनात हैं। उन्होंने कहा कि इस बारे में डीएम को लिखित शिकायत भी की गई है, लेकिन अभी तक इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। गांव में गंदगी का ये आलम उस वक्त है जब देश भर में कोरोना महामारी का संकट छाया हुआ है, जब पीएम मोदी खुद लोगों से साफ सफाई रखने की अपील कर रहे हैं। जहां तक गांवों में सफाई कर्मचारियों की तैनाती, पोस्टिंग और उनकी नियुक्ति और उनकी उपस्थिति का सवाल है, ये संबंधित विभाग का काम है, जिसे जो DPRO ऑफिस है चाहे CDO ऑफिस का है, वहाँ पे ये उनकी जिम्मेदारी होती है कि भाई सभी ग्राम पंचायतों में उनकी उपस्थिति, उनकी नियुक्ति, उनकी तैनाती प्रॉपरली उनको मेंटेन कर उनको मॉनिटर करें। रही बात जिस गांव में सफाई कर्मियों की तैनाती नहीं है या गांव में तैनाती ना होने की वजह से वहाँ सफाई की अच्छी स्थिति वहाँ नहीं, वहाँ गंदगी का अंबार वहाँ लगा हुआ है, जैसे आपने भी हमको बताया, इस संबंध में मैं संबंधित DPRO से मैं बात कर लूँगा, उसमें वार्ता इसमें कर दी जाएगी और जहाँ भी कोई जो इसमें जो भी समस्याएँ हैं उसका निराकरण इसका एज अर्ली पॉसिबल इसका कर लिया जाएगा। मैं इस समय विकास खंड धौरहरा के ग्राम पंचायत सिसैया में हूँ। ग्राम सभा सिसैया के प्रधान पति जी से जब हमारी बात हुई, अभी लाइव 24 की टीम जब यहाँ पहुँची और प्रधान जी से वार्ता हुई तो प्रधान पति ने बताया कि सैनिटाइजेशन का कार्य उन्होंने पूरी ग्राम सभा में करा दिया है। सफाई को लेकर के वो थोड़ा सा गोलमोल जवाब देते नज़र आए। उनका ये कहना था कि हमारे ग्राम सभा में सफाई कर्मी नहीं है, इसलिए जगह जगह पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जगह जगह कूड़े का ढेर है। इसको लेकर के उन्होंने जो सफाई कर्मी नहीं है इसको लेकर उच्च अधिकारियों को उन्होंने अवगत कराया, लेकिन लगभग 3 वर्ष हो गए कोई सफाई कर्मी यहाँ पे अभी तक तैनात नहीं हुआ। प्रधानमंत्री का जो महत्वाकांक्षी योजना स्वच्छता मिशन, भारत स्वच्छता मिशन जो चल रहा है, उसका किस तरह से हमारे अधिकारी माखौल उड़ा रहे हैं, जबकि इस समय कोरोना COVID-19 ने सबको ये मैसेज दे दिया है कि प्रधानमंत्री का जो स्वच्छता मिशन है वो कितना उपयोगी है, उसकी क्या सार्थकता है, ये अब किसी से छिपा नहीं रह गया है। पूरा विश्व कोरोना के चपेट में आ गया है और जिसका जो समाधान है वो सिर्फ सफाई और सोशल डिस्टेंस और तौर तरीके और अपने आप को आइसोलेट करना ही उसका केवल एकमात्र सलूशन और विकल्प है। अब देखना ये है कि जो हमारे उच्च अधिकारी हैं वो इस समस्या को कितनी गंभीरता से लेते हैं और प्रधानमंत्री के भारत स्वच्छता मिशन को कैसे कामयाब बनाते हैं, जो कि इस ग्राम सभा की जो दशा हमने देखी वो भारत स्वच्छता मिशन को मुँह चिढ़ाता हुआ नज़र आ रहा है। जबकि प्रधान जी का स्पष्ट कहना है कि वो अपने दायित्वों का पूरी तरह से निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन उच्च अधिकारी उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। सफाईकर्मी जो तैनात हैं वो सफाईकर्मी अधिकारियों के घरों में, उनके ऑफिसों में काम कर रहे हैं। कुछ सफाईकर्मी ऐसे हैं जो DPRO के ऑफिस में हैं, कुछ ऐसे हैं जो DDO के ऑफिस में हैं, यहाँ तक कि उनके घरों में ड्यूटी दे रहे हैं और गांव की सफाई की स्थिति बदहाल है। कैमरा पर्सन बलबीर सिंह के साथ अनिल सिंह राणा, लाइव 24 लखीमपुर।